हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत अच्छी स्वादिष्ट इस पर डिशेस आजकल अपलोड कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको घर पर ट्राई कर सकते हैं और इजीली आप उनको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा आज कुछ यूनिक सा बनाने वाले हैं। आप बताना आपके यहाँ पर इस तरीके की साबूदाने की डिश बनती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए, ये साबूदाना होता है, ये बारीक वाला साबूदाना है। ये देखिए, वो मोटा वाला जो आता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। इसको हमने 4-5 घंटे के लिए पहले भिगो लिया था, फिर उसके बाद में जो है भिगोने के बाद में आपको इस तरीके से छन्नी में इसको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा वाटर जो भी है वो सारा निकल जाना चाहिए, जिससे कि हमारा साबूदाना एकदम खिला खिला और क्लीन बने। वाटर ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, एकदम से क्लीन होना चाहिए। और इसके लिए जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चाहिए हमको मूंगफली के दाने। आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने अभी सेके नहीं हैं, अभी हम इनको सेकेंगे। मूंगफली के दाने चाहिए आपको इतने, और फिर आपको चाहिए कि दो जो हैं ये हमारे आलू हैं जिनको हमने छील करके एकदम साफ करके रख लिया है। तीन हमको चाहिए टमाटर, कुछ हरी मिर्ची चाहिए, और ये हमारा सागरी नमक है, क्योंकि साबूदाना जो है वो जब हम अन्न नहीं खाते हैं उस वाले व्रत में हम जो है साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि मैं आपको शायद शब्दों में क्या ही बताऊं, बहुत अच्छी रहती है। और काली मिर्च का यूज़ करते हैं हम, जो हमारा सागरी खाना रहता है उसमें, हम उसमें लाल मिर्च और वैसा यूज़ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। बस साबूदाना थोड़े 4-5 घंटे पहले भिगो दीजिए, फिर उसको अच्छे से निकाल लीजिए। बारीक साबूदाना ही आपको लेना है अगर आपको बहुत टेस्टी खिचड़ी चाहिए तो। जो मोटी वाली साबूदाना आते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, ये बहुत अच्छा रहता है। हमने कढ़ाई को जो है वो गरम कर लिया है, इसमें हम घी डालेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी के साथ में जो है वो, क्योंकि हम ऑयल नहीं डाल सकते अभी, ये सागरी खाने के लिए बन रहा है, तो जो है व्रत में हम सागरी खाना बनाएंगे तो हम इसमें सिर्फ जो है वो घी का ही यूज़ करेंगे। फिर हम इसमें जो है वो दाने ऐड कर देंगे मूँगफली के, और घी से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, एकदम खिलके जो है वो खिचड़ी का फ्लेवर आएगा। तो इस तरीके से हमको धीमे धीमे आँच पर जो है वो हमको इनको ब्राउन कर लेना है, मतलब अच्छे से सिक जाए। आपको पता ही चल जाएगा तभी मूँगफली अच्छे से सिक जाएंगी, तो आपको इस तरीके से इनको चला के अच्छे से सेक लेना है। अब देखिए, दानों को हमने एक तरफ निकाल लिया है, बहुत अच्छे से ये सिक चुके हैं। अब इन आलू को इस तरीके से हमने पीसेस में काट लिया है, और देखिए अब हम इसी घी में जो है वो आलू को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से आपको फिर टमाटर कट कर लेने हैं, जब तक कि हमारे आलू अच्छे से सीज जाएं। उससे पहले हम जो है, और हमको जो टमाटर हरी मिर्ची चाहिए उसको तैयार कर लेंगे। तो टमाटर को कट कर लेंगे और हरी मिर्ची को इस तरीके से जो है थोड़ा सा बारीक पीस लेंगे हम, क्योंकि जिससे फ्लेवर और भी अच्छा है। आम बारीक बारीक, अगर आपकी चॉपिंग बहुत शार्प है और बहुत अच्छी है तो आप इसको बहुत अच्छे से कट भी कर सकते हैं, वरना मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड करेंगे तो ही इस तरीके की आपको जो है वो हरी मिर्ची मिल जाएंगी। अब हम इसमें जो है वो सागरी नमक ऐड करेंगे, फिर इसमें जो है वो आप अपने स्वाद के अनुसार जितना आप खाते हैं उतना इसमें ऐड कर लीजिए, जिससे कि हमारे आलू के अंदर भी बहुत अच्छे से फ्लेवर चला जाए नमक का। और इस तरीके से फिर हम उसको ढक देंगे, जिससे कि और जल्दी से उबल जाएं। आलू थोड़े थोड़े अब ब्राउन होने लगे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची जो हमने चॉप करके रख लिए थे, अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको चलाते रहें, जैसे कि हमारा जो है ये चिपके नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट जो हमने कट करके रख लिए थे टमाटोज, इसमें डाल देंगे इनको, और अच्छे से पकने तक हम इसको चलाएंगे और फिर इसको ढक करके रख देंगे, जिससे ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। आप इसको इस तरीके से जो है वो 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। अब इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और फिर वापस से हम इसको ढक करके रखेंगे, जिससे कि आप जितना भी स्पाइसी खाते हैं उतना ऐड कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक करके रख देंगे, जिससे हमारा सारे फ्लेवर्स मसालों के जो है वो इसमें आ जाएं। आप इसको ढक करके रख दीजिए और कम पे जो है वो चलने दीजिए गैस को। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो साबूदाना है वो, अभी हम इसको चलने देते हैं। तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से सिक करके एकदम, हमारे आलू भी देखिए एकदम सीख गए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। आपका साबूदाना देखिए एकदम, आप अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए पहले, उसके बाद में भिगोइए। आपके साबूदाने में कोई भी कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना ही क्लीन होना चाहिए। और ये बारीक साबूदाने खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और इसमें इतना अच्छा इसका जो हमने ब्लैक पेपर काली मिर्ची डाला था उसका बहुत अच्छा स्वाद जो है वो इसके अंदर आएगा, और सारे मसालों का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे कि जो भी मसाले हैं वो अच्छे से हमारी खिचड़ी में आ जाएँ।
जब तक हमारी खिचड़ी तैयार हो रही है तब तक हम एक तरफ साबूदाने की खिचड़ी हमारी बनती है तब तक हम चटनी तैयार करेंगे। और जो सागरी चटनी रहती है उसमें हम देखिए हरी मिर्ची काट लेंगे, सबसे पहले हरा धनिया काट लेंगे, और जो हमारा सागरी नमक रहता है वो लेंगे, और हम दो चार मूंगफली के दाने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम उस जार में। सबसे पहले हम डालेंगे इन हरी मिर्ची को, और क्योंकि आप अगर व्रत कर रहे हैं और आप सागरी खाना खाना चाहते हैं, एक्स बाई कोई भी व्रत है आपका, तो आप इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। खिचड़ी और चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नमक हमने डाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, और इसको हम हल्का सा जो है वो अब ग्राइंड कर लेंगे। हमारी खिचड़ी जो देखिए अच्छी तरीके से बन गई है। अब हम इसमें जो है वो मूंगफली के दाने जो हमने पहले सेक के रख लिए थे वो अब इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम हल्के से मिलाएंगे। आप लास्ट टाइम पे जब गैस बंद करें तो ही मूंगफली के दाने डालें, अदरवाइज़ वो जो है धनिया डाल देंगे, क्योंकि अगर बीच में आप मूंगफली के दाने डाल देंगे तो वो थोड़ा सा जो उसका क्रिस्पी सा जो वो रहता है फ्लेवर वो नहीं आएगा। तो मूंगफली के दाने एकदम अच्छे से रहें और एकदम क्रिस्पी हमको लगें उसके लिए आपको लास्ट में ही ऐड करना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, और खाने में ये उससे भी ज़्यादा जो है वो स्वादिष्ट लगेगी आपको। अब हमने गैस बंद कर दिया और इसको ढक कर के रख देंगे। अब हम हमारी चटनी को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम प्लेट में जो है हमारी खिचड़ी को निकाल करके बताएंगे आपको कि कितनी ज़्यादा ये अच्छी बनी है, एकदम इसके दाने अलग हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी जो है वो बन करके तैयार है, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको आप निकाल करके कुछ दाने ऊपर से ऐड कर देंगे, और हम इसको जो है वो हरे पत्तों जो धनिए के हैं उससे गार्निशिंग कर देंगे। तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी ये खिचड़ी लग रही है, दाना एक एक पूरा अलग है, और बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट आपके व्रत में ये आपको लगेगी। आपका पूरा एकदम रोटी सब्जी से भी ज़्यादा अच्छा जो है इसका फ्लेवर है, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हमने जो हमारा सागरी चटनी थी वो भी हमारी तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं हरी चटनी जो रहती है, और ये बिल्कुल इसमें कुछ भी अन्न नहीं है, पूरा एकदम सागरी खाना है। आप फास्ट में इसको ज़रूर खाइए, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप किस तरीके से खिचड़ी बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। ये बारीक जो साबूदाने हैं उनकी खिचड़ी आप पहले बनाते थे या नहीं वो भी आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और ये हम एक दही और इसमें ऐड कर देंगे, दही के साथ भी ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो दही, हरी चटनी और खिचड़ी, हमारा पूरा सागरी खाना तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।